असलम फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स आज बहुत ही यूनिक किस्म का मैं आपको ईजिएस्ट मोस्ट ईजिएस्ट मोस्ट आपको मैं uh, जो है वो uh, दुबट्टा डिज़ाइनिंग सिखा रही हूँ दिस इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट वे टू डिज़ाइन योर दुबट्टा मैंने एक सिल्वर लहंगा बनाया है और वाइट एंड सिल्वर का कंट्रास्ट किया है सो आई ट आई बॉट शेफून दुबट्टा दिस इज़ अ प्योर शेफोन और 2.5 मीटर्स का ऑलरेडी यू नो कि आपको दुबट्टा 2.5 का मिलता है अब ये साथ में मैंने लेस ली है जिसके ऊपर नग लगे हुए हैं ठीक है डायमंडीज लगे हुए हैं और ये लेस आप स्टिच uh, नहीं कर सकते तो ये जितना भी दुबट्टा बनेगा ये सारा मैं नीडल से करूँगी ये बहुत ईजीली कोई भी बना सकता है ये लेस मैंने ली है तकरीबन एट मीटर्स यू नीड एट मीटर लेस फॉर टू पॉइंट फाइव मीटर्स ऑफ दुबट्टा फैब्रिक तो ये बहुत ही प्यारी सी लेस है ये मैं फोर साइड्स पे लगाऊंगी और साथ में मैंने कुछ इस तरह से फ्लावर बने हुए नग के बने हुए हैं ये एंड uh, मैंने तकरीबन एटीन uh, इस तरह के फ्लावर्स ले लिए आप अपने मुताबिक जो स्टाइल करना चाहते हैं वैसा ही ले सकते हैं देखें आप ऊपर आपको नग नज़र आ रहे होंगे सो so, uh, ये मैं यूज़ करूँगी ठीक है एटीन मैंने ले लिया बहुत ईजीली मार्केट से मिल जाते हैं और आप अपनी फेवरेट कंट्रास्ट कलर कोई भी कर सकते हैं मतलब ये कि आप एक लहंगे के ऊपर जो दुबट्टा बनाएंगे वो किस तरह का बनाएंगे वो आप देख लें ये अब नग हैं ऑलरेडी मैं आपको काफ़ी वीडियोस में इनके बारे में बता चुकी हूँ डायमंडीज़ ये कुछ ऐसे होते हैं जो आपको विदाउट चिपकने वाले मिल जाएंगे तो वो आपको खुद चिपकाने होंगे तो चलें हम अपना बहुत ही खूबसूरत सा एलिगेंट से दुबट्टा तैयार करते हैं दिस इज अ वाइट दुबट्टा अब आप नीडल ले लें और धागा डाल लें थ्रेड शुड बी ऑफ द सेम कलर एज ऑफ लाइक सिल्वर और ग्रे और वाइट तो ये अब सबसे पहले मैं क्या करूँगी ये मेरे पास फैब्रिक ग्लू है दिस इज़ अ फैब्रिक ग्लू और फैब्रिक ग्लू से मैं इनको चिपका दूंगी अब आपने किस तरह का स्टाइल बनाना इट्स ऑल अप टू यू लेकिन मैं इस तरह करूँगी कि मैं डिस्टेंस के साथ अपने हिसाब से करूँगी अगर आपको डिस्टेंस का आप मसला लगता है तो आप यू कैन ऑल्सो मेजर विद द इंची टेप और आप पॉइंट्स लगा लें और वहाँ पर आप लगा लेंगे तो क्योंकि मुझे अब काफ़ी आइडिया हो गया है डिस्टेंस का तो मैं इजीली इसको इसके साथ चिपका सकती हूँ फ्रेंड दिस इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट वे टू डिज़ाइन योर दुब्टा आपको पता है दुबट्टे की बहुत इंपॉर्टेंस होती है आपके ड्रेस में आपका जो दुबट्टा है वो बहुत प्यारा होना चाहिए और आजकल फैंसी फ़ैन्सी दुबट्टे आपको फिर मैच करने पड़ते हैं जो अक्सर मैच नहीं होते तो अब वो जो दो मैंने लगाए हैं उनके बीच में मैं यहाँ पर ही लगा रही हूँ ठीक है मैं इस तरह डिस्टेंस करके लगाऊंगी फिर अगले दो मैं फिर दो इस तरह लगाऊंगी जिस तरह मैंने फर्स्ट वाले लगाए थे अब इन दोनों के बीच में मैं लगाऊंगी इस तरह मेरे पूरे एटीन जो फ्लावर्स हैं वो पूरे हो जाएंगे ये फ्रेंड्स हमने इधर लगा लिया अब मैंने ऊपर फिर उसी तरह जिस तरह मैंने फर्स्ट लाइन में लगाए थे ऊपर दो लगाए थे नीचे लगाए थे उसी तरह आपने लगा लेने फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आ गई होगी फैब्रिक ग्लू आपको बहुत इजीली मार्केट में मिल जाती है नग भी आपको मिल जाएंगे और बहुत इजीली आप घर में बैठे बैठे अपने लहंगे का साड़ी का पल्लू और इवन अगर आप साड़ी बना रहे हैं और आपने शेफ़ोन की बनाई है या नेट की बनाई है तो आप उस पर भी ये छोटे छोटे नग वगैरह लगा सकते हैं तो बहुत ही इजीली आप अपने कपड़ों को ख़ुद डिज़ाइन कर सकते हैं सिर्फ थोड़े सा क्रिएटिव होना पड़ता है और हम आइडियाज़ आपको इसीलिए देते हैं ताकि आप ख़ुद अपनी डिज़ाइनिंग करें घर पर ये फ्रेंड्स मैंने ऑलमोस्ट सारे लगा लिए हैं अब ये जो लेस है ये देखें मैंने दुपट्टे को नीचे से थोड़ा सा फ़ोल्ड किया है फ़ोल्ड करने के बाद मैंने इस तरह ऊपर लेस रखी रखी है और मैं इसको बहुत ही ईज़िली जो है वो स्टिच कर लूँगी ये देखें मैंने नीचे से इसको थोड़ा सा फ़ोल्ड किया और फोल्ड करने के बाद मैंने इसको स्टिच कर लिया इस तरह से आप इसको बहुत इजीली स्टिच कर सकते हैं आप अपने फ़ोर कॉर्नर जिस तरह हम आपको लेस सिखा चुके हैं लगाना आपने सारा नीडल से करना है तो आराम से आप बैठे बैठे जो है बिस्तर में गरम गरम आ, बिस्तर में बैठ के आराम से अपने दुपट्टे को डिज़ाइन कर सकते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत सा दुपट्टा हमारा जो है वो आज रेडी होगा और मैं आपको एंड में ड्रेस भी दिखाऊंगी इसके साथ जो लहंगा मैंने बनाया है इसके साथ उस पर भी मैंने सिल्वर पट्टी का इस्तेमाल किया है फ्रेंड्स आपको ईजीली मार्केट से 300 का शेफ़ून का दुबट्टा भी मिल जाएगा लेकिन अगर आप अच्छा सा एक बहुत महंगे से ड्रेस के ऊपर दुबट्टा ले रहे हैं तो प्लीज़ कोशिश करें अच्छी क्वालिटी का दुबट्टा लें शेफ़ून आपको डिफरेंट क्वालिटीज़ में मिलेगी ये देखें एंड में मैं आपको बता देती हूँ आपने कॉर्नर में इस तरह फोल्ड किया लेस रखी आपने ऊपर और आपने इसको इस तरह से स्टिच कर देना है मैं आपको एक एक स्टेप सिखा रही हूँ अब ये बहुत ईजीली जिनको स्टिचिंग नहीं भी आती वो लेडीज़ भी कर सकते हैं स्पेशली ब्राइट डुबीज़ जो जिनकी शादियाँ होने वाली हैं और उन्हें दुपट्टे वगैरह उनके लिए आप डिज़ाइन करें या वो ख़ुद करना चाहती हैं तो आप इजीली घर पे कर सकते हैं ये देखें मैंने आपको ये देखें इस तरह से आपने फोर कॉर्नर्स को स्टिच करना है इस तरह फ्रेंड्स आप इसको ये देखें ज़रा इसका कोई हाल नहीं है फ्रेंड्स ये मेरी कैट है एंड uh, जब भी मैं काम करती हूँ तो ये फ़ौर मेरे साथ बैठा हुआ होता है बैट uh, जो है हर टाइम पे अच्छा फ्रेंड्स ये आपने अब दूसरा कॉर्नर भी एक्जैक्टली exactly सेम इसी तरह आपने स्टिच करना है ये देखें इस तरह फोल्ड करके आपने ऊपर रख के और सिंपल नीचे और ऊपर दोनों में सिलाई लगानी है ताकि ये अच्छी तरह से इसके साथ लग जाए आप चाहे तो आप छोटा दुपट्टा अगर लेना चाहते हैं तो अगर छोटी बच्चियों के लिए बना रहे हैं तो आप उनके लिए 1.5 पॉइंट मीटर्स का दुबट्टा ले सकते हैं दुबट्टा लेके काट के दो दुबट्टे बना सकते हैं चौड़ाई और अगर आप फुल दुबट्टा लेते हैं तो वो आपको ऑलमोस्ट 2.5 पॉइंट मीटर्स का पड़ता है और फिर अगर हम उसके फोर बॉर्डर्स के ऊपर लेस लगाते हैं तो वो 8 मीटर्स आपको लेनी पड़ती है लेस शुड बी ऑफ एट मीटर्स फॉर टू पॉइंट फाइव मीटर्स दुबट्टा ये देख सकते हैं पीछे कितनी नीट लुक आ रही है क्योंकि मैंने इस तरह से बनाया है ठीक है इसी तरह हम इसको पूरा जो है आम, करके आगे भी इसको बना लेंगे ये देखें फ्रेंड्स ऑलमोस्ट मैंने लेस सारी लगा ली है ठीक है ये आप स्टिच नहीं कर सकते मशीन से ये आपको नीडल से ही लगानी पड़ेगी क्योंकि उसके ऊपर नग लगे हैं उभरे हुए नग तो इसलिए ये मैंने सारी नीडल से खुद की अब देखें ऊपर हम फ्लावर्स भी लगा चुके हैं अब जो थर्ड स्टेप है वो मैं आपको बता देती हूँ हमने जो डायमंडीज़ लिए थे जो हमने नग लिए थे वो भी आपने फैब्रिक ग्लू से ही चिपकाने हैं मैंने वो वाले लिए आप वो भी ले सकते हैं जो खुद चिपक जाते हैं लेकिन फैब्रिक ग्लू से ये होगा कि वो अच्छे पक्के मजबूत जो है वो इसके ऊपर लग जाएंगे तो आप पहले दुबट्टा रख लें ठीक है अब आपने बहुत सीक्वेंस से देखें ये मेरे पास मौजूद हैं ये भी मैंने सिल्वर कलर के लिए हैं और ये आपके पास आ गई फैब्रिक ग्लू दिस इज़ अ फैब्रिक ग्लू यू कैन ईजिली इट फ्रॉम द मार्केट इस तरह आपने ग्लू लगा के इसको आपने इस तरह से लगा लेना है इसी के फ्लावर्स भी बना सकते हैं आप वो भी मैं आपको आगे सिखा दूंगी बहुत ही नफास्त uh, से आपने ये इसके साथ अटैच कर लेने हैं नाउ फ्रेंड्स अब देखिए बीच में एक नग लगाया आपने अब मैं आपको इसका फ़्लावर बनाना सिखाती हूँ हाउ टू मेक फ्लावर विथ डायमंडीज़ यू कैन यूज़ दिस लाइक दिस अब आपने उसके पाँच जो है वो uh, जो नग है उसके आसपास लगा के एक छोटा सा फ्लावर बना लेना यह आप बीच बीच में कहीं ना कहीं आप लगा सकते हैं इनको नग आपको बहुत ईजीली uh, मिल जाएंगे और बहुत uh, चीप मिलते हैं रेट भी इतना ज़्यादा नहीं है इसका तो आप ईजीली uh, ख़रीद सकते हैं और बहुत सस्ता आपका दुपट्टा खुद घर में डिज़ाइन हो जाएगा ये देखें फ्रेंड्स ये मैंने एक फ्लावर तैयार कर लिया अब इसी तरह मैं और भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मैं तैयार कर दूंगी पैटर्न आप चाहे तो पहले सिर्फ अपने इसके ऊपर बना सकते हैं पेंसिल से बना लें टेलरिंग शॉप जो होता है चौक जो होता है उससे बना सकते हैं तो आप पहले से पैटर्न बना के फिर आप बेशक इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं मैं एक पैटर्न के मुताबिक चल रही हूँ जिसमें मुझे कुछ फ्लावर्स इस तरह के लगाने हैं बनाने हैं और उसके बाद मैं सारे नग जो है वो दुबट्टे पे इस तरह के छोटे छोटे फ्लावर्स ये आपने बहुत ज़्यादा नहीं लगाने ठीक है फ्लावर्स आपने बहुत ज़्यादा नहीं बनाने क्योंकि हम ऑलरेडी फ़्लावर्स लगा चुके हैं सिर्फ आपने कुछ कुछ जगहों पर लगाने हैं आप अभी दुबट्टा आगे देखेंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा इस तरह हम और भी डिफरेंट जगहों पर लगा लेंगे ये देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना खूबसूरत दुबट्टा तैयार हो चुका है ये मैंने दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह किया मैं अभी आपको फुल भी दिखा देती हूँ और बहुत ही प्यारा लग रहा है आपने अच्छी क्वालिटी की चीज़ें लेनी है आपका बहुत सस्ता जो है वो बन जाएगा और लहंगे वगैरह के ऊपर दुबट्टे के लिए आप डिज़ाइन करना चाहते हैं कपड़े आपके इतने ज़्यादा फैंसी नहीं है आप दुबट्टा फैंसी बनाना चाहते हैं आप कोई से भी कलर्स की आपको डिफरेंट कलर्स में मिल जाएंगे शॉकिंग पिंक ब्लू पर्पल वगैरह में भी मिल जाते हैं ये तो आप लेके और आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इस तरह के दुब्टे बना सकते हैं खुद डिज़ाइन कर सकते हैं आई होप आपको ये आइडिया भी अच्छा लगा होगा और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे और अगर आपने ट्राई किया तो आप प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बहुत ईजी मैंने आपको वे बताइए कि आप किस तरह अपना दुबट्टा डिज़ाइन कर सकते हैं तो ये देखें ये मैंने लहंगा लिया है और साथ में मैंने एक छोटी सी चोली बनाई है सिल्वर मैंने इस पर लेस लगवाई है और साथ में दुबट्टा भी मैंने इसी तरह का Uh, जो है मैंने ख़ुद डिज़ाइन किया है और ड्रेस भी मैंने खुद अपनी पसंद का बनवाया है तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा स्टाइल और आप इसको ज़रूर जो है वो अप्रिशिएट uh, करेंगे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक like ज़रूर कीजिएगा और कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा थैंक यू सो मच फॉर हाफिज़